गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, माई सेल्फ राम त्रिवेदी, करारे इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगा कि मैंने 2018 पीएससी फेस की है और इसके तहत मुझे जो पद मिला है वो अल्पसंख्यक पिछड़ा एवं कल्याण अधिकारी के पद पर मैं निरीक्षक के पद पर नियुक्त हुआ हूँ। जैसा कि मैं बताना चाहूँगा कि आज का ये जो वीडियो हम लेकर आए हैं इसमें बेसिकली मैंने ये देखा कि कहाँ से कैसे एक बंदा जब नया बंदा आता है तो वो कैसे तैयारी करता है पीएससी को लेकर। तो एक स्ट्रेटजी होती है पीएससी की तैयारी करने की। दूसरा, मैं ये चाहता हूँ कि जो तकलीफें मैंने देखी या जहाँ जहाँ मैंने देखा कि कैसे पीएससी की तैयारी की जाती है या किन चीज़ों को लेकर एक नए बच्चे को प्रॉब्लम्स होती है, अगर उस पर बात करते हैं तो सबसे पहले मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँगा। सन 2014 में मैंने पीएससी की तैयारी स्टार्ट की थी और ये वो समय था जब मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में सिलेबस को बदला गया था। जैसा कि बताना चाहूंगा 2012 की जो पीएससी हुई थी उसमें आपका सिलेबस बदल चुका था प्री में, और 2014 में सिलेबस आपका बदल चुका था फिर से। ये था मुख्य एग्जाम का सिलेबस और ये था प्रारंभिक एग्जाम का। चूंकि प्रारंभिक एग्जाम का सिलेबस बदल चुका था तो इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हालांकि मुख्य एग्जाम का जब सिलेबस बदला, क्योंकि मैंने जो समझा था अभी तक पीएससी को लेकर वो ये था कि पीएससी में पहले प्री एग्जाम होती है और उसमें ही आपको एक वैकल्पिक सब्जेक्ट ले लिया जाता है, बट अब प्री होती नहीं थी। मेंस में भी सिलेबस बदल चुका था, प्री होती है पर मेंस में सिलेबस बदल चुका था। यहाँ पर जो वैकल्पिक विषय थे जैसे लोक प्रशासन होता था, समाजशास्त्र होता, वो नहीं होते थे। यहाँ पर जो सब्जेक्ट होते थे अब वो हो गए हैं कितने, 3 हो गए हैं जीएस के और 1 हो गया है एथिक्स का। इन चारों को मिलाकर 4 जीएस के सब्जेक्ट होते थे। अगर बात की जाए 5वां सब्जेक्ट है आपका हिंदी का और 6ठा है आपका एसए का। तो इन पेपरों की बात करते हैं। पहला पेपर, देखिए पहले पेपर की अगर बात की जाए दोस्तों, तो पहले पेपर में यह होता है कि आपसे हिस्ट्री पूछा जाता है एंड सेकंड इसका पार्ट जो होता है वो ज्योग्राफी पूछा जाता है। मैं बात करना चाहूंगा 2014 की मुख्य एग्जाम में जो नॉर्म्स रखे गए वो ये रखे गए कि पहला जो जीएस का पेपर होगा इसमें आपको 2 पार्ट मिलेंगे। एक पार्ट मिलेगा ए पार्ट, दूसरा मिलेगा बी पार्ट। ए पार्ट की बात करते हैं तो इसमें हिस्ट्री मिलता है। हिस्ट्री में बेसिकली देखा जाए तो वर्ल्ड हिस्ट्री से लेकर इंडियन हिस्ट्री और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, बेसिकली हम मध्य प्रदेश के रेफरेंस में पढ़ेंगे। इसमें हम मध्य प्रदेश के रेफरेंस में ये भी देख लेंगे कि पुरातात्विक स्मारक क्या है, पर्यटन क्या है, एक संस्कृति जो है इंडो इस्लामी संस्कृति या त्राबियत और आरुक्वेद संस्कृति, जो भी है, जो स्थापत्य की कलाएं हैं, द्रविड़ शैली है या गांधार शैली है, इन सभी चीजों को इतिहास में संजोया गया और फर्स्ट पार्ट बनाया गया जिसे पार्ट ए नाम दिया गया। ये पार्ट ए हिस्ट्री को लेकर, हिस्ट्री को लेकर बनाया गया। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री की। एक्चुअली हिस्ट्री की अगर बात की जाए तो हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री में देखा जाए तो रेनेसा मतलब पुनर्जागरण, उसके बाद आपका ग्रेट रिवॉल्यूशन इंग्लैंड की क्रांति, फिर हम बात करते हैं रशियन क्रांति, फ्रांस की क्रांति और औद्योगिक क्रांति, इसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये सब, ये जितने भी चैप्टर ये मिलाकर वर्ल्ड हिस्ट्री बनता है। वर्ल्ड हिस्ट्री से बेसिकली अभी तक जो क्वेश्चंस आए तो मैंने ये देखा कि 2014, 15, 16, 17 जहां से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जा रहे हैं, रेनेसा से क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, क्रांतियों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपसे औद्योगिक क्रांति से भी क्वेश्चन पूछे गए। 2018 का जो पेपर था वर्ल्ड हिस्ट्री से जो क्वेश्चन आए कुछ ऐसे थे जो नए क्वेश्चन थे, जिसने ये बता दिया कि अब अगर हमें हिस्ट्री पढ़ना है तो थोड़ा जो सिलेबस में दे रखा है उसके आसपास की जानकारी भी हमें पढ़ना जरूर चाहिए। इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं तो इंडियन हिस्ट्री में सामान्यतः जैसा सिलेबस दिया गया है वैसा ना होकर जैसे बोला गया है कि प्रथम शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी तक का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक इतिहास। हालांकि इस प्रकार के क्वेश्चन ना होकर ऐसा नहीं पूछा गया कि किसी सामाजिक स्थिति को बताइए, बेसिकली कनिष्क की उपलब्धियां पूछ ली गई, अशोक को महान क्यों कहा जाता है, अकबर की नीतियां पूछ ली गई, औरंगजेब की दक्कन नीति पूछ ली गई, है ना, राजत्व, बलबन का राजत्व सिद्धांत पूछ लिया गया 2014 में। इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। हालांकि बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल भी है, बट इनके लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, तो जो मैंने इतिहास की तैयारी की, जैसे कि मैंने एंशियंट हिस्ट्री की मैंने सेपरेट अपने स्वयं के नोट्स बनाए, कुछ क्लास नोट्स, कुछ किताबों का भी मैंने सहारा लिया जो बहुत सारे होते हैं, पर हम अगर हमारे स्वयं के नोट्स अगर हम बना लेते हैं, सिनॉप्सिस बना लेते हैं, दैट्स वेरी गुड। बात करते हैं अब पार्ट सेकेंड की। सेकेंड पार्ट है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी वैसे बेसिकली देखा जाए तो बर्णवाल जो एक बुक आती है बर्णवाल की, बहुत ही अच्छी होती है, बट अगर ज्योग्राफी की बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट यूनिट ये कहती है कि भारत की ज्योग्राफी के साथ साथ विश्व की वर्ल्ड ज्योग्राफी पूछी जाएगी। अब यहां पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो देखिए फर्स्ट टाइम जब 2014 में पेपर हुआ था तो रायल सीमा से लेकर क्वेश्चन पूछ लिया गया था आपसे, पठार, खनिज और मिनरल्स के बारे में क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। बट 2018 में पेपर
कुछ चेंज हुए, हालांकि 2014 से लेकर 2018 तक एक ज्योग्राफी में जो लास्ट के चैप्टर्स हैं, जैसे कि आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन है, जल प्रबंधन है, यहां से जो क्वेश्चन है हर साल क्वेश्चन आपदा प्रबंधन से हर साल एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, चाहे वो 6 नंबर में पूछा जाए, चाहे वो 15 नंबर में पूछा जाए, 3 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे विपत्ति और आपदा में अंतर बताइए, हालांकि बहुत ही सिंपल है, जहां पर विपत्ति आपदा से जनित है वहीं आपदा मानवीय और प्राकृतिक कारणों से जनित होती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, हर एक आपदा आपदा नहीं हो सकती पर विपत्ति आपदा हो सकती है, तो आपको ऐसे डिफरेंट बताना है। 3 नंबर में बहुत ही सिंपल तरीके से होता है, आपदा प्रबंधन क्या है, इलाहाबाद त्रासदी पूछी गई, इस प्रकार के जो केस स्टडीज दी गई हैं आपदा से रिलेटेड। जल प्रबंधन की बात की जाए तो जैसे जैसे नवीन योजना है, जैसे निरांचल योजना जो है, ये जल संभरण के लिए हम सिंचाई के लिए प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत लाई गई है, तो इस प्रकार से हम जल प्रबंधन, गैर परंपरागत ऊर्जा से रिलेटेड जो भी है परियोजनाएं हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, मध्य प्रदेश के संदर्भ में पूछी जा रही है, जैसे कृषि से संबंधित बहुत कुछ पूछा जा रहा है मध्य प्रदेश के संदर्भ में, वह भी पूछा जाता है यहां पर। खाद्य प्रसंस्करण एक नया सब्जेक्ट या एक नया टॉपिक इसमें जोड़ा गया है। आप लोग कहेंगे कि सर खाद्य प्रसंस्करण इसमें क्यों जोड़ा गया, ये इकोनॉमी का है, क्योंकि खाद्य प्रसंस्करण एक ऐसी इकाइयां होती हैं जो ज्योग्राफिकली और भारहास उद्योग होते हैं जिनका संबंध डायरेक्ट ज्योग्राफी से होता है, तो खाद्य प्रसंस्करण भी इसी चैप्टर में आपको मिलेगा। तो मैंने ज्योग्राफी की तैयारी के लिए अगर मैं बात की जाए तो मैंने बर्णवाल जैसी बुकों का उपयोग किया, और इसके लिए भी मैंने मध्य प्रदेश से रेफरेंस में जितना भी ज्योग्राफी पूछा जा रहा था उसके लिए मैंने अपने एक नोट्स बनाए, उन नोट्स को ये कह सकते हैं कि मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए और उन शॉर्ट नोट्स को मैंने ग्रास्प किया, एंड देन आफ्टर, क्योंकि मैं बताना चाहूंगा आपके 6 ही दिन में 6 पेपर हो जाएंगे, और अगर आपने आपके हाथ से नोट्स नहीं बनाए हैं तो इट्स वेरी टिपिकल कि आप मेंस में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं सेकेंड पेपर की। सेकेंड पेपर की बात की जाए तो सेकेंड पेपर में इंडियन पॉलिटी के साथ साथ इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटीज हैं, एनजीओज हैं, सीबीओज हैं, मीडिया है, और मध्य प्रदेश भारत का संविधान है। और इसी का अगर सेकेंड पार्ट की बात की जाए, बी पार्ट की, तो यहां पर सामाजिक विधान जो समाज की प्रवृत्ति या समाज में जो रूढ़िवादिता है, जिस प्रकार से भारतीय समाज है उसको बदलने के लिए, चाहे वो पर्यावरण अधिनियम हो, चाहे वो भ्रष्टाचार अधिनियम हो, चाहे वो अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम हो, चाहे वो घरेलू हिंसा या महिलाओं से संबंधित हो, बच्चों से संबंधित मुद्दे हैं, कुपोषण है, सामाजिक इश्यूज है, जैसे कि बात की जाए वृद्धजनों से संबंधित मुद्दे हैं, तो समाज में जिस प्रकार के जो मुद्दे हैं एक सिविल सेवक के लिए, ये सभी मुद्दे इन फ्यूचर आने वाले हैं, तो वो इन्हें कैसे डील करेगा, तो उनसे रिलेटेड जानकारी बहुत ही सामान्य जानकारी है। और जो सेकंड पेपर का बी पार्ट है, यहाँ पर आप बहुत अच्छे नंबर गैन कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल व्यवहारिक तरीके से पूछा जाता है ये पेपर, और व्यवहारिक तरीके में आपसे वृद्धजनों की क्या समस्या है, अकेले रहते हैं, उपेक्षा का शिकार होते हैं, है बुढ़ापे में उन्हें क्या होता है, शारीरिक कष्ट होते हैं, आर्थिक असुरक्षा होती है, बालकों की क्या समस्या है, महिलाओं की क्या समस्या है, इनसे घरेलू हिंसा अधिनियम क्या है, इस प्रकार के अधिनियम पूछे जाते हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा कि यहां पर जो अधिनियम है 10 अधिनियम, उन अधिनियमों के शॉर्ट नोट्स बना लिए जाएं जो हमारा व्यवहारिक ज्ञान है, प्लस इसके लिए हम क्या करें नेट का, क्योंकि सेकंड पेपर का जो सेकंड पार्ट है यहां पर आप नेट का बहुत अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं और टॉपिक वाइज डाटा जून सकते हैं, क्योंकि मैं बताना चाहूंगा इसके लिए कोई अथेंटिक बुक या कोई अथेंटिक नोट्स मार्केट में ऐसे नहीं कि यहीं से सब कुछ आ जाएगा और आपको डाटा मिल जाएगा। बात करते हैं पॉलिटी की, तो पॉलिटी के लिए तो मैं लक्ष्मीकांत को ज्यादा प्रीफर करता हूं, क्योंकि ये वो बुक है जो आपको आईएएस से लेकर पीएससी की मेंस एग्जाम तक काम दे सकती है। तो लक्ष्मीकांत की बुक जिसमें समस्त प्रकार की चीजें जो पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है वो सभी आते हैं। अभी तक जो मेरा अनुभव रहा है वह 1.1 से लेकर 1.3 तक ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से आए हैं, पॉलिटी में ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं यूनिटों से पूछे गए हैं। उसके बाद मीडिया से क्वेश्चन, जैसे मीडिया क्या है या सोशल मीडिया क्या है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया। आंतरिक सुरक्षा को लेकर अभी तक क्वेश्चन तो नहीं आया, पर हाँ एजेंसियों से लेकर क्वेश्चन आए हैं। बट ये है श्योरिटी इस बात की कि इस बार पूछे जाए विधान जो आयोग दिए गए हैं, जैसे अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, मानवाधिकार आयोग है ना, घरेलू हिंसा अधिनियम, महिला आयोग, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस या इनसे संबंधित एट्रोसिटी की, अत्याचार की धाराएं वगैरह भी पूछी जाती हैं। उसके लिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाना रहेंगे, प्लस आपको लीगल लैंग्वेज जो वैधानिक भाषा होती है उसका प्रयोग करना, एक सामान्य भाषा यहां पर लिखना आपके लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि जो लिटरेचर होता है एक्चुअल वही आपको वहां पर नंबर दिला पाएगा। अब हम बात करते हैं थर्ड पेपर की। थर्ड पेपर की अगर बात की जाए तो थर्ड पेपर आपका बेसिकली बहुत ही वेरी करता है। देखिए थर्ड पेपर एक ऐसा पेपर है जहां पर आप
बहुत अच्छे नंबर भी प्राप्त कर सकते हैं और जहां पर थर्ड पेपर आपको बाहर भी कर सकता है सिलेक्शन से। जैसे कि थर्ड पेपर में बात की जाए तो साइंस आती है, विज्ञान, विज्ञान की बात करें तो यहां पर आपका जीव विज्ञान है, भौतिक है और रसायन। मैंने जहां तक ऑब्जर्व किया है कि इस विज्ञान के साथ साथ एक प्रौद्योगिकी भी था, तो प्रौद्योगिकी भी था। 2014 से लेकर 2017 तक तो प्रौद्योगिकी के क्वेश्चनों का वेटेज ज्यादा रहा, साथ ही प्रौद्योगिकी के साथ साथ पर्यावरण भी था, पर्यावरण के क्वेश्चंस भी रहे। तो जो ए पार्ट है उसमें जीव विज्ञान, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, पर्यावरण, साइंस एंड टेक अर्थात प्रौद्योगिकी और मैथ्स, जो एक मैं कह सकता हूँ एप्टीट्यूड जो हमारा प्रीमियम होता है उसी प्रकार का 20 नंबर का मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं। इतना सब मिलाकर आपका पार्ट ए बनता है। तो आप ज्यादातर कंफ्यूज होंगे या बहुत सारे ऐसे बीए बीकॉम स्ट्रीम के जो होते हैं बच्चे जो इसकी प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए साइंस एक थर्ड पेपर का जो फर्स्ट पार्ट है बहुत चैलेंजिंग होता है, बट मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं क्योंकि मैं खुद बीकॉम स्ट्रीम या मेरा कॉमर्स स्ट्रीम रहा है, पर मैंने जहां तक ये देखा कि मुझे इस पेपर में ज्यादा तकलीफें नहीं आई। ऐसा इसलिए मैं बताना चाहूंगा कि जीव विज्ञान में आपसे कोई ऐसा विशेष या विषय विशेषज्ञ नहीं पूछना चाहते। आपसे पूछ लिया गया रक्त के कार्य, आपसे पूछ लिया गया डार्विन की थ्योरी पूछ ली गई, आपसे लैमार्क बात पूछ लिया गया, आपसे पास्चराइजेशन पूछ लिया। जैसे आप देखते हैं एक एडवर्टाइजमेंट आता है नमक को पास्चराइज किया जाता है, तो ये एक सामान्य तरीके का विज्ञान जो आपसे पूछा गया वो पूछा जाता है, रसायन से लेकर या भौतिक शास्त्र से लेकर पूछ लिया गया। न्यूटन के लॉ ये हमने भी पढ़े थे और हमें पता भी है कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये 2016 में न्यूटन के लॉ पर पूछा गया 6 नंबर का प्रश्न था और मैं उसे बहुत अच्छे से डील करके आया था, मुझे 4.5 नंबर उसमें मिले थे। तो मैं बताना चाहूंगा साइंस इतना टफ नहीं है। पर्यावरण की अगर बात की जाए तो जैव विविधता क्या होती है अर्थात जीव जंतुओं की एक दूसरे पर निर्भरता, बात की जाए संपोषणी विकास, सतत विकास जिसमें आर्थिक, पर्यावरण और सामाजिक तीनों पक्ष होते हैं, उनको लेकर प्रश्न आते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस रहेंगे। संरक्षण रहेगा, जैसे कि पर्यावरण संरक्षण, हम देखते हैं जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण, अपशिष्ट होता है तो अपशिष्ट प्रबंधन आ जाएगा, खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन आ जाएगा, जैसे चिकित्सी हुआ, परमाणु हुआ, ये खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन है, रेडियोधर्मी पदार्थ छोड़ते हैं, इनसे पर्यावरण का बहुत हास होता है। बहुत ही सामान्य से क्वेश्चन अगर आप बहुत ठंडे दिमाग से अच्छे से सोचेंगे तो ये पेपर बहुत अच्छे से घर पे कंप्लीट कर सकते हैं और इसके टेस्ट सीरीज कर सकते हैं। दूसरी बात की जाती है इसमें साइंस एंड टेक, नैनो प्रौद्योगिकी। अब देखिए नैनो प्रौद्योगिकी आज के समय में हम और आप लोग इतना ज्यादा प्रौद्योगिकी के नजदीक आ चुके हैं कि आप इस मोबाइल का भी अगर उपयोग करते हैं तो इसमें लाईफाई होता है, वाईफाई होता है, ब्लूटूथ होता है, उसके बाद की जाए एलईडी होता है, लेजर होता है, कंप्यूटर से रिलेटेड आजकल जितनी भी जानकारी वो होती है। 3 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था मुझसे सोशल मीडिया और उससे रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं जो अपने संचार क्रांति के लिए, जैसे उसमें मुझे साइंस के जो थर्ड पेपर है मुझे 15 में से 12 नंबर मिले हैं और मैं बताना चाहूंगा मैंने वे सभी चीजें लिखी जो एक सामान्य तरीके से आप जानकारी रखते हैं। तो साइंस एंड टेक में नैनो प्रौद्योगिकी पूछी जाएगी, नैनो रोबोट्स पूछे जाएंगे, सुपर कंप्यूटर पूछा जाएगा, कंप्यूटर पूछा जाएगा, बीट बाइट से रिलेटेड, रैम रैंडम मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, आपके लेजर से रहेंगे, जो नवीन प्रौद्योगिकी हैं उनसे रहेंगे, चाहे वो कंप्यूटर की हो या मोबाइल की हो, एंड्रॉयड मोबाइल हो, है ना, GSM हो और अपना वाईफाई हो, या फिर हो सकता है कि आपसे कोई सुपर कंप्यूटर वर्तमान में जो उसका नाम तक पूछ लिया जाए। इतने सिंपल क्वेश्चंस रहेंगे जहां पर आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। बात करते हैं इकोनॉमी की। इकोनॉमी देखिए बेसिकली अगर भारत में जो इकोनॉमी या मध्य प्रदेश में जो पूछा जा रहा है इकोनॉमी यहां पर, तो ये ऐसा है सामाजिक और आर्थिक। मध्य प्रदेश का इकोनॉमी सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य में पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश ग्रामीण पृष्ठभूमि का क्षेत्र रहा है और यहां की अर्थव्यवस्था प्राथमिक क्षेत्र पर आधारित है। दूसरा निर्धनता, बेरोजगारी, गरीबी, महिला की सशक्तिकरण से संबंधित मुद्दे और अन्य भी मुद्दे हैं जैसे कि रोजगार को लेकर है या जीवन प्रत्याशा को लेकर है या बात की जाए जीवन प्रत्याशा के बाद और भी जो चीजें हैं भुखमरी वगैरह या खाद्यान्न की आपूर्ति है या हरित क्रांति क्या है, विकास समृद्धि दर क्या है, विकास वृद्धि दर क्या है, और भी जो इकोनॉमी का जो एक सैद्धांतिक विषय है जैसे कि इंडेक्स कैसे बनाया जाता है, सूचकांक कैसे बनाया जाता है, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपकी इकोनॉमी में पूछे जाते हैं। हालांकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिन पर दिमाग लगाया जाए तो लिखा जा सकता है। जैसे पूछा गया लास्ट टाइम क्वेश्चन 2017 में मध्य प्रदेश का मुद्रा बाजार बताइए। देखिए एक्चुअली राज्य का कोई मुद्रा बाजार होता नहीं है,
स्टेट का कोई मुद्रा बाजार नहीं, देश का मुद्रा बाजार होता है, परंतु मध्य प्रदेश कृषि आधारित है, अर्थात रतलाम और मंदसौर की जो मंडियां हैं इनको नेशनल मार्केट से जोड़ा गया है। आप यहां पर मुद्रा बाजार का वर्णन कर सकते हैं, प्लस कोठारी मार्केट में जो हमारा क्या था, सेंसेक्स था, जो अभी बंद हो गया, शेयर बाजार जो था उसे बंद कर दिया गया। तो इस प्रकार के कुछ चार छह पॉइंट आप इलेबरेट करते तो छह में से आपको चार नंबर मिल जाते। ऐसा इसलिए दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, इस प्रकार के क्वेश्चन हर कोई व्यक्ति नहीं कर पाता है, एक अलग प्रकार की विविधता नजर आती है, और जब चेकर इसे देखता है तो बोलता है हाँ इसने बहुत अच्छे से इसे डील किया है। तो यहां पर जो इकोनॉमी पूछी जाएगी बेसिकली सैद्धांतिक ना होकर सामाजिक आर्थिक रहेगी, जो मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में ज्यादा रहेगी। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको थर्ड पेपर के सेकंड पार्ट में पूछे जाएंगे। यहां पर आप मेरा जो अनुभव रहा है, मैं 170 प्लस नंबर प्राप्त किया हूं इसमें 2017 में, हालांकि 2018 मुझे कम मिले, हो सकता है किसी कारणवश, पर यहां पर मैं ये कह सकता हूं कि आप 175 प्लस नंबर बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका एनवायरनमेंट अच्छा है तो यहां पर अथवा में दो एनवायरनमेंट के क्वेश्चन आ गए वो बन सकते हैं, अगर आपका जीव विज्ञान अच्छा है तो वो क्वेश्चन बन सकते हैं, इकोनॉमी सेकंड पेपर का पार्ट है इसी, वहां पे क्वेश्चन बन सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय संगठन भी आपसे पूछा जा सकता है, यहां पर उनसे भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं बेसिकली उन पेपरों की जो आपको सिलेक्शन करवा भी सकते हैं, बहुत अच्छा पोस्ट दिलवा भी सकते हैं, अन्यथा आपको सिलेक्शन से बाहर भी कर सकते हैं। ये वो पेपर हैं जो हर किसी से बनते हैं केवल ओवर कॉन्फिडेंस के साथ। मैं बताना चाहूंगा हिंदी, एजे और एथिक्स, ये तीन वो पेपर हैं जो आपके सिलेक्शंस को बहुत जल्दी ऐसा परिवर्तित कर सकते हैं कि आप सोच नहीं सकते कि आप रातों रात डिप्टी कलेक्टर भी बन सकते हैं, और नहीं तो आप साल भर पढ़ रहे हैं, दो साल पढ़ रहे हैं, नतीजा सिफर हो रहा है। देखिए कैसे, जो नैतिक शास्त्र का पेपर है यहां पर उच्च लेवल का आपसे साहित्य मांगा जाता है, इसमें आपको केस स्टडी भी है, ठीक है। तो एक तो नैतिक शास्त्र में अभिवृत्ति पूछी है आपसे, फिर आपसे पूछा है पूर्व अवधारणाएं, फिर आपसे पूछा है मनोवृत्ति, और एक 18 ऐसे व्यक्ति विशेष का नाम या ऐसे व्यक्ति विशेष पूछे गए हैं जिन्होंने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में अपने दर्शन या अपने विचारों को बताया है, जैसे कि भीमराव अंबेडकर, राम मनोहर लोहिया, पंडित जी, प्लेटू, अरस्तु। बात की जाए जैन धर्म, बौद्ध धर्म के संस्थापकों की बात की जाए उनको पूछा गया, कौटिल्य को पूछा गया है, सिख धर्म के गुरु गोविंद सिंह जी को पूछा गया है, उसके बाद बात की जाए तो राजा राम मोहन राय को पूछा गया, विवेकानंद जी को पूछा गया, इनके दर्शनों से संबंधित आपसे पूछा गया कि इनका योगदान क्या रहा। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा जो दर्शन शास्त्री जिस काल से जुड़ा हुआ है, जैसे जैन बौद्ध धर्म ये प्राचीन काल से जुड़े हुए हैं, तो इनकी धार्मिक क्रांति हुई तो धार्मिक क्रांति में हिंदू क्रांति के सॉरी हिंदू धर्म के विरुद्ध थे, जो रूढ़िवादी था सामाजिक में, जो छुआछूत या अन्य प्रकार की जो जाति प्रथा थे उन नियमों को शिथिल करने के लिए और एक समरसता या एक सामाजिक समानता के लिए आए थे, तो इस प्रकार की आप एक माइंड को सेटअप करिए। दूसरा आजादी के कार्यकाल से पूछा जाए तो राजा राम मोहन राय, अरविंद घोष, राम मनोहर लोहिया, गांधी जी, अंबेडकर जी, इनसे रिलेटेड ट्रस्टीशिप का सिद्धांत पूछ लिया जाता है, गांधी जी या अंबेडकर जी के दलितोत्थान सिद्धांत, दलितोत्थान आंदोलन पूछ लिए जाते हैं, इस प्रकार से आपको यहां पर डील करना है। बात की जाती है अभिवृत्ति की, तो व्यक्ति की अभिवृत्ति सोचने समझने का नजरिया क्या होता है, कैसे मनोवृत्ति बदली जाती है, पूर्व अवधारणाएं पूछी जाती है कि एक व्यक्ति के बारे में आप कैसा सोचते हैं, आपसे अंतरात्मा से संबंधित पूछ लिया जाएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा सहिष्णुता क्या होती है। फिर बात करते हैं हम केस स्टडी की। देखिए केस स्टडी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो 65 मार्क्स का रहता है, मतलब 65 नंबर तक की केस स्टडी रहती है, और इसमें आपको एक घटना दे दी जाती है, चाहे वो भ्रष्टाचार से हो, चाहे वो बाल श्रम से हो, चाहे वो किसी राजनीतिक मुद्दे से हो, चाहे वो पर्यावरण के मुद्दे से हो, इस प्रकार की केस स्टडी दे जाती है। केस स्टडी बेसिकली तीन चीजें जो होती है, एक तो आपको पूरा अध्ययन करना है, दूसरा आपको उस केस की जांच करना है, तीसरा उस केस की जांच पूर्णतः करना है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक भी पहलू छूट गया तो आप इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसे डील नहीं कर पाएंगे। जैसे कि कभी क्वेश्चन 5 पूछ लिए जाते हैं इंटू 7, एक होती है 35 नंबर की, तो 5 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 7 नंबर का, तो 5 क्वेश्चन 35 नंबर के। फिर एक केस स्टडी पूछ ली जाती है जिसमें क्या होता है 3-3 नंबर के क्वेश्चन हो जाते हैं या 5-5 नंबर के क्वेश्चन हो जाते हैं और 6 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो ये कितना हो गया 30 और 35 65 नंबर के हो गए। यहां पर आपसे प्रश्न एक केस स्टडी दे दी जाती है ऐसी
10-12 लाइन की, उसको पढ़ने के बाद आपसे हाँ नहीं में उत्तर पूछ लिया जाता है कि क्या उसने वहां पर जो पूर्व अवधारणा है उस केस से रिलेटेड लगाई थी, क्या वे सही थी या नहीं। तो यदि आपने नहीं लिख दिया पढ़ने के बाद, तो क्या आपको वो 7 नंबर नहीं देगा? इस नहीं के बाद इस केस स्टडी में जिस पूर्व अवधारणा के बारे में आपसे वो पूछा जा रहा है उसे तकरीबन 1 से 1.5 पेज में इलिबरेट करिए, तब जाकर आपको वो 5 नंबर देगा। आप सोचिए, क्योंकि आप जब 100 शब्द लिखते हैं 6 नंबर का, तब आपको वो 4 नंबर देता है, क्या नहीं लिखने पर आपको 7 नंबर दे देगा क्या? वो नहीं दे पाएगा दोस्तों। तो यहां पर केस स्टडी आपके नंबर जो है उसे बहुत ज्यादा बढ़ा सकती है, और मैं ये कहना चाहूंगा कि केस स्टडी में एक्चुअल में 45 या 40 नंबर तक आराम से लाए जा सकते हैं, चूंकि मैंने 36 नंबर तक प्राप्त किए हैं, तो मैं बताना चाहूंगा ऐसा। अब हम बात करते हैं हिंदी की। हिंदी देखिए ऐसा है, 200 नंबर की हिंदी आती है जहां पर व्यक्ति 150-140 नंबर तक ला सकता है। हालांकि मेरे एक दोस्त हैं जिन्होंने 170 नंबर भी प्राप्त किए हैं, तो मैं ये नहीं कहता कि इतने नंबर आ जाएं, पर 150 नंबर तक अगर आपके हिंदी में आप प्राप्त कर लेते हो तो आपकी मेरिट में सुधार हो जाता है। हिंदी में आपको देखना यह रहेगा कि आपको ट्रांसलेशन आता है, शब्दावली आती है। तो शब्दावली 3 नंबर की एक शब्दावली आती है जो इंग्लिश में लिखा रहता है, उसे हिंदी में करना है। ज्यादातर दोस्तों आप उसे ही प्रिफर करेंगे जहां पर इंग्लिश का वर्ड हिंदी में करना हो, चाहे वह 3 ही होते हो, क्योंकि इंग्लिश में अगर एक भी स्पेलिंग मिस्टेक हुई आपके, उसको वो क्या कर देगा, काट देगा, नंबर नहीं देगा, 0 देगा। तो आप यहां पर ये जो ट्रांसलेशन है शब्दावली, अगर 5 बनती है तो सीधे 15 नंबर आपको प्राप्त हो जाएंगे। ट्रांसलेशन अगर इंग्लिश या हिंदी की बात की जाए तो हिंदी का ट्रांसलेशन बहुत अच्छा होता है, आप बहुत आराम से करिए, 3 घंटे का समय है, ज्यादा जल्दीबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर आप ट्रांसलेशन करते हैं तो 15 नंबर के ट्रांसलेशन में आपको 7 से 8 नंबर इजीली मिल जाते हैं, क्योंकि मैं हिंदी माध्यम का छात्र रहा हूं और मुझे जितने नंबर मिले हैं मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं। तो यहां पर आपको 8 नंबर मिल सकते हैं, और जो इंग्लिश का होता है उसमें 12 नंबर तक भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इंग्लिश का जो इसमें भाग होता है, जितना भी होता है, उसमें आपको नंबर गेन करना रहते हैं। फिर ग्रामर की बात की जाए तो ग्रामर में संधि, समास, विशेषण, क्रिया विशेषण, पर्यायवाची शब्द, तत्सम, तद्भव, इनके बारे में आपसे पूछा जाता है। इसे अगर आप बहुत अच्छे से डील करते हैं और जैसी ग्रामर लैंग्वेज या जैसी ग्रामर होती है वैसे लिखते हैं तो आपको पूरे में से पूरा नंबर मिल सकते हैं। यहाँ पर एक अनसेस पैसेज पूछा जाएगा जो बहुत ही सिंपल होता है और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आपने उसे कर लिया तो आपके नंबर बहुत अच्छे हो सकते हैं। बात करते हैं प्रतिवेदन। बेसिकली 15 नंबर का पूछा जाता है प्रतिवेदन या अप्लीकेशन। प्रतिवेदन या अप्लीकेशन लिखने का एक तरीका होता है। आपसे पूछ लिया गया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई एक सम्मेलन हुआ है, उस पर एक प्रतिवेदन आपको देना है। तो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में जो प्रतिवेदन हुआ उसकी थीम क्या थी, किस मुद्दे पर हुआ, क्या रिपोर्ट दी, क्या सुझाव दिए, आपको अंत में अपने सुझाव देना है और उसे क्या कर देना है, पेश कर देना है, मुख्य हस्ताक्षर कर देना है अध्यक्ष या सदस्य, और उसके बाद पेश कर दीजिए आप, तो आपको वहां पर नंबर बहुत अच्छे से मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं निबंध की। मैं आपको बताना चाहूंगा मुझे जो निबंध में नंबर मिले, 2014 में मुझे निबंध में नंबर मिले थे 54 नंबर, 2015 में मुझे मिले 37 नंबर, 2016 में जो मुझे निबंध में नंबर मिला था 10। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा 2016 में मैं केवल 10 नंबर प्राप्त किया था निबंध में, इसीलिए मैं फेल हो गया था। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि निबंध को बहुत ही हल्के में ना लें, क्योंकि आप बहुत विभिन्न विभिन्न प्रकार की कोचिंगें इंदौर में वहां पर तैयारी कर रहे हैं जहां पर ये बताया जाता है कि आप 3 पेपरों की तैयारी कर लो निबंध खुद ब खुद हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। निबंध लिखने का एक लिटरेचर होता है, एक साहित्य होता है। अगर इस लाइन से निबंध पढ़ना स्टार्ट किया है तो वो बॉटम की लास्ट लाइन तक अगर पढ़ते आता है तभी आपको नंबर मिलते हैं, क्योंकि निबंध की कॉपी आप जब RTI लगाकर देख पाए तो देखेंगे कि उसके नीचे लाइन चलती ही रहेगी, इनविजिलेटर लाइन टू लाइन चेक करता है और वो देखता है कि जिस विषय पर निबंध लिखा गया है क्या वो निबंध की शैली में लिखा गया है। अगर वो निबंध की शैली में लिखा गया है, डाटा व्यवस्थित है, तो ही आपको 50 में से 26 या 30 नंबर देगा जो 2018 में मुझे मिले। मुझे 2018 में कुल नंबर मिले हैं 54। हालांकि 6 या 7 नंबर और जुड़ जाए तो बहुत अच्छे नंबर होते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि निबंध की एक शैली होती है, निबंध का एक प्रोफार्मा होता है। आपको 2 घंटे रहेंगे, 2 घंटे में आपको जो निबंध लिखना है, 1000 शब्द का पहला निबंध है, 250 शब्द के 2 निबंध है, कुल मिलाकर आपको 1500 शब्द लिखना है, मतलब आप यहां पर 1800 शब्द तक लिख सकते हैं और इसके लिए आपके पास समय भी बहुत है। तो निबंध में जल्दबाजी ना करें और बहुत अच्छे से लिखें।
दोस्तों मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आप लोगों को, क्योंकि जो तैयारी होती है वो अकेले नहीं हो पाती है, जैसा कि मैंने इस फील्ड में फील किया। क्योंकि मुझे सबसे पहले एक डायरेक्शन मिला मेरे बड़े भाई से, जिन्होंने कहा कि तुझे पीएससी करना है। तो मैं ऐसा है कि मुकेश कटारे सर पहले किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाते थे, जहाँ का मैं नाम लेना ज़्यादा उचित इसलिए नहीं समझता हूँ क्योंकि स्वयं का कटारे सर का इंस्टीट्यूट है, जहाँ से मुझे बोलना सीखा। मैं अपनी जो मुझे बोलना जो मैं सीखा हूँ बेसिकली, जहाँ मैं गांव से आया हुआ था कि हर टॉपिक पे बहस होती थी, तो सर मुझे बोलना बताते थे कि देखो कैसे तर्क रखा जाता है। तो मेरा पहला शिक्षक, अगर मैं ये कहा जाऊँ, मेरा इस फील्ड में जो मेरे पहले शिक्षक रहे हैं वो मुकेश कटारे सर रहे हैं, जिन्होंने मुझे हिस्ट्री पढ़ाया है। हिस्ट्री ज्योग्राफी में मुकेश कटारे सर से पढ़ा। साइंस पढ़ने का मुझे मौका मिला था, क्योंकि जिस इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ रहा था वहाँ मुझे मर्ज कर दिया गया, तो मैं इनसे साइंस नहीं पढ़ पाया था। मैं हमेशा इनसे मिलता हूँ तब भी मैं कहता हूँ कि सर मुझे साइंस पढ़ाइए। हाँ, कटारे सर ने मुझे बहुत हेल्प की। मैं जब जब भी, जैसा कि मेरा कटारे सर से जब तक संबंध रहा, मैं कटारे सर से पढ़ा, प्री पढ़ा, कटारे सर से मेंस पढ़ा, और इसके बाद सर ने मुझे ये कहा कि बेटा राम अब देखो सेल्फ स्टडी भी किया करो। तो मैं टेस्ट सीरीज लिखने अन्य इंस्टीट्यूट पर भी गया, मैंने टेस्ट सीरीज भी लिखी है। तो समय समय पर सर से मैं इस विषय में राय लेता था, क्योंकि जब 2014 में मेरा रिजल्ट मेंस लिखने के बाद मेरा नहीं हुआ, 15 में नहीं हुआ, 16 में नहीं हुआ, तो मैं हर मेंस के बाद सर से पूछने आता था कि सर मुझ में ऐसी क्या कमी है आप बता दो। तो बोले राम तुम में लेखन शैली की जो कमी है, डाटा की तो कोई कमी नहीं है, नोट्स तो हैं ही तुम्हारे पास, तो लेखन शैली की जो कमी है उसे आप पूरा करो, लिखने की प्रैक्टिस करो, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। फिर उसके बाद भी सर ने मुझे एक राय ये दी है कि राम देखो अभी भी तुम्हारा जो सिलेक्शन है जिस पद के लिए तुम आए थे डिप्टी कलेक्टर के लिए वो हुआ नहीं है, तो आप इस पद को प्राप्त करने के लिए अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। तो मैं यही चाहूँगा कि आप एक बार जरूर कटारे सर या इंस्टीट्यूट पर आएँ और इनसे राय ले सकते हैं। थैंक यू।